हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ने बुलाकर फारूक सत्तार से मिलवाया और जब हम पहुंचे हैं तो फारूक सत्तार वहां पर पहले से बैठे हुए थे, उनकी फरमाइश पर हमें बुलाया गया। फारूक सत्तार की ख्वाहिश पर मुलाकात का दावा, मुस्तफा कमाल ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 70 माओं के बेटे कौन निकाल कर लाया? एमकेएम को मानता ही नहीं तो फिर अलायंस कैसा होगा? पीएसपी सरबराह का जवाबी वार, शहदा कब्रिस्तान का ताला टूटने पर इजहार तशवीश। इनका कारोबार नहीं चल रहा था लाशों वाला हमारे आने के बाद। खाकम बदन, अब मुआजिर जाने के लिए मरने के लिए तैयार हो जाए, तुमने ताला तोड़वा दिया। मुझे जगलेरी नहीं आती है, मेरी तो माँ मर गई, अगर जिंदा भी होती तो उसको अपने साथ बिठाकर सियासत में इन्वॉल्व नहीं करता, अपने करतूतों पे पर्दा डालने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करता। माँ सबकी माँ होती है। एक बूढ़े शख्स के 12 लाख रुपए पेंशन के नहीं मिल रहे थे। माँ को करतूत छुपाने के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। वसीम अख्तर के बेटे ने मुहाजिर शहरी को पेंशन के 12 लाख दिलवाने के लिए 6 लाख लिए। मुस्तफा कमाल ने मेयर पर भी तरक्याती कामों में 6% कमीशन लेने का इल्जाम लगाया। मेयर 6% मुंह से बोल कर मांग रहा है 50 लोगों के सामने कि 6% पहले मुझे दो इस सारे तरक्याती काम में से, उसके बाद आगे ठेके चलाना। जो उनका इल्जाम है कि एस्टेब्लिशमेंट को आपने अप्रोच किया मुजाकरात के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी नुमाइंदे से इस बात को आप कंफर्म करा दें तो मैं फिर सियासत छोड़ दूंगा। वो इस बात को मान लें कि वो अपनी बारियां करते रहें, बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने का इल्जाम मुस्तरद। बेगानी की शादी में दीवाना अब्दुल्ला बाजी हार गया। फारूक सत्तार का पीएसपी पर मुस्बत सियासत सबूताज करने का इल्जाम। एमकेएम तकसीम नहीं, वोट बैंक कायम है, सरबराह मुत्तहिदा का जवाब। कराची में जिनाह ग्राउंड के ताले टूट गए। फारूक सत्तार की राबता कमेटी के अरकीन के साथ यादगार शहदा पर हाजिरी और फातह खानी। मुस्तफा कमाल के इदारों पर इल्जाम अफसोस आंख है। पीएसपी सरबराह ने गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगु से कीमती मौका भी जाया कर दिया। एमक्यूएम किसी के साथ जम नहीं हो सकती, मुत्तहिदा रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगु। नहीं मालूम था कि इतनी जल्द तलाक हो जाएगी, रिश्ता दोबारा कायम हो सकता है। मंजूर बसान ने नया ख्वाब देख लिया। फारूक सत्तार मुत्तहिदा बानी का माइंड सेट है, फैसल वाबडा का रद्द अमल। तहरीक इंसाफ का तौसा शरीफ में पावर शो, हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुल गया, नवाज शरीफ नाहल हो चुके, अब शहबाज शरीफ की बारी है। इंसानों के मुआशरे में कोई नहीं पूछता कि मुझे क्यों निकाला, इमरान खान के ताबड़तोड़ बाउंसर्स। नवाज शरीफ की नैप के 3 रेफरेंसेस को यकजा करने की अपील, सुप्रीम कोर्ट में समाप्त के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस साकिब निसार 16 नवंबर को अपने चैम्बर में समाप्त करेंगे। नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में अहम मुशावरती इजलास, नई हल्का बंदियों में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल, शहबाज शरीफ से भी तवील मुलाकात, हुदैबिया पेपर मिल केस के मुआमलात जेर गौर। हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुल गया, अब सारा टब्बर नाअहल होगा, कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं आ सकता, हम चलने नहीं देना चाहते। कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। मुशर्रफ को मुतबादिल लीडर के तौर पर लाने का ड्रामा नाकाम होगा, सियासी जमातें बनाने और तोड़ने का मशगला तर्क करना होगा,
مسلم لیگ کی قیادت کو جکڑنے کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے، سعد رفیق کا ٹویٹ۔ نواز شریف کے اداروں سے لڑائی، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں پکڑا، ڈاکٹر عاصم برہم، سندھ ایک تھا اور ایک رہے گا، رہنما پیپلز پارٹی کی ناب کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ رکن برطانوی پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کی ننکانہ صاحب میں شہید کیپٹن حسنین کے گھر آمد، اہل خانہ سے ملاقات میں شہید کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نموہ بور کے تمام اسلحہ لائسنس معطل، وزارت داخلہ نے 15 جنوری تک سیمی آٹومیٹک لائسنس میں تبدیل کرانے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کی مقامی عدالتوں کی جانب سے منفرد سزائیں، چیف جسٹس اینڈ ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا، متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سے رپورٹ طلب۔ سندھ حکومت نے میڈیکل یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلے کے لیے این ٹی ایس ٹیسٹ منسوخ کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں سموگ اور دھند، شہریوں کو شدید مشکلات، محکمہ موسمیات نے پیر سے بادل برسنے کی پیش گوئی کر دی۔ امریکہ داعش کو افغانستان میں پھلنے پھولنے کا پورا موقع دے رہا ہے، 2 سال سے افغان عوام نقصانات پر شور مچا رہے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، حامد کرزئی واشنگٹن پر برس پڑے۔